आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अंतरिक्ष में जो कचरा फैल रहा है, मलवा है, उस संबंध में। लिमटी की लालटेन के 199वें एपिसोड में आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। 200वां एपिसोड भी हमारा इसी को लेकर होगा। आज हम आपको बता रहे हैं मनुष्य के द्वारा नीला आसमान बहुत ही जिज्ञासा, उत्सुकता, उत्कंठा का विषय सदा से रहा है। आसमान या गगन को लेकर ना जाने कितने गाने बॉलीवुड में भी बने हैं। बॉलीवुड के चलचित्रों में आपने नीले गगन के तले न जाने कितने गाने भी इस बारे में सुने होंगे। उस दुनिया में आने के बाद समझदार होते ही मनुष्य को सबसे पहले आसमान के तारों के बारे में विचार आते दिखते हैं। आसमान का रंग नीला क्यों है? आसमान के तारे इतनी दूर क्यों हैं? तारे चमकते क्यों हैं? तारे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? न जाने कितनी जिज्ञासाएं, बाल सुलभ जिज्ञासाएं इनको कहा जा सकता है, जो बच्चों के मन में आपने देखी होंगी। सप्तऋषि क्या है? सात ऋषि, सात तारे एक साथ दिखते होंगे। इस तरीके की बाल सुलभ जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए अच्छे अच्छों की बहुत कसबन निकल जाती है। कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, ब्रह्मांड, ब्लैक होल, तारे, उपग्रह, न जाने कितने शब्द हैं जिससे मनुष्य अपने जीवन में आने के बाद रूबरू होता है। आसमान को मनुष्य के द्वारा कूड़ेदान में तब्दील कर दिया गया है। अगर ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, पर यह चिंता की बात भी मानी जा सकती है। 1967 में एक चलचित्र आया था हमराज। हमराज का गाना नीले गगन के तले धरती का प्यार पले बहुत लोकप्रिय हुआ था। आप और हम अपने बचपन से आज तक आसमान को लेकर मन में आए विचारों, जिज्ञासाओं आदि के बारे में सोचें तो अनगिनत बार हमने इस बारे में सोचा जरूर होगा। फिल्मों, टीवी सीरियल्स, अखबारों, सोशल मीडिया आदि पर अंतरिक्ष को लेकर चर्चा होती रहती है। सभी की जिज्ञासा इस बारे में, अंतरिक्ष के बारे में बढ़ना बहुत स्वाभाविक है, बहुत ही स्वाभाविक है। आजादी के पहले कृत्रिम उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजे जाने की सिर्फ कल्पना की गई थी। इसका काल्पनिक चित्रण सबसे पहले 1869 में एडवर्ड एवरेस्ट हाले के द्वारा एक लघु कहानी के जरिए किया गया था। बहुत छोटी सी कहानी के जरिए उनके द्वारा किया गया था। कुछ सालों के बाद 1903 में एक कॉमिक के रूप में इसे प्रकाशित भी किया गया था, जो बहुत ज्यादा उस दौर में बहुत लोकप्रिय हुई थी। इसमें अंतरिक्ष में एक वस्तु जिसमें वर्तमान में रॉकेट की संज्ञा दी गई, उसका चित्रण किया गया था। कहते हैं विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक को माना जाता है। सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को स्पुतनिक पर काम आरंभ किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना, भारत ने भी इसमें प्रगति की, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। देश का पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। इसे आर्यभट्ट का नाम दिया गया था, वैज्ञानिक आर्यभट्ट के नाम पर। अंतरिक्ष में पहुंचने के महज 5 दिन बाद ही इस उपग्रह ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद भारत के द्वारा दूसरा उपग्रह जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया वो भास्कर के नाम से छोड़ा गया था। इसे 7 जून 1979 को छोड़ा गया था। 1980 में भारत ने रोहिणी नाम का एक उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजा था, आप सभी को याद होगा। पूरे विश्व में विकसित देशों के द्वारा ना जाने कितने उपग्रह अब तक छोड़े जा चुके हैं। हम अंतरिक्ष में उपग्रह तो छोड़ देते हैं, पर इन उपग्रहों को वापस बुलाने की कोई पहल नहीं की जाती है, कोई पहल आज तक होती नहीं दिखी। अब अनेक उपग्रह जो छोड़े गए थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया। ये उपग्रह आज भी अंतरिक्ष में ही विचरण कर रहे हैं। ये उपग्रह अंतरिक्ष में
कचरा या मलबा ही माने जा सकते हैं, क्योंकि इनका उपयोग अब नहीं किया जा रहा और ये वहां पर व्यर्थ पड़े हैं। इन्हें वापस बुलाना बहुत जरूरी है। माफ कीजिएगा, अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में जनवरी 2021, पिछले साल जनवरी 2021 तक लगभग 6542 उपग्रह मौजूद थे। इनमें से 3372 उपग्रह काम कर रहे थे और 3170 उपग्रह व्यर्थ पड़े थे। इनकी म्याद पूरी हो गई थी या इन्होंने काम करना बंद कर दिया था, ऐसे उपग्रह यहां पर पड़े हुए थे। इस लिहाज से अंतरिक्ष में 3000 से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में कचरे के रूप में पड़े हैं। इनके विनिष्टीकरण की दिशा में या इन्हें पृथ्वी पर वापस बुलाने की कर इन्हें रिसाइकल कर पुनः भेजने के लिए या उनके उपकरण दूसरे उपयोग में लेने की दिशा में अब तक किसी प्रकार के प्रयास नहीं किए गए, जो चिंता की बात मानी जा सकती। आज दौड़ती भागती दुनिया में अब अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ने की प्रतिस्पर्धा बहुत तेज हो गई है। आज संचार क्रांति के युग में इंटरनेट की सेवाओं के लिए, इंटरनेट की सेवाओं हेतु उपग्रह रीढ़ की हड्डी माना जा सकता है, बैकबोन माना जा सकता है संचार क्रांति के लिए। इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले समय में अंतरिक्ष में उपग्रहों की तादाद बहुत तेजी से बढ़ना निश्चित है। अगर बढ़ती है तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इंटरनेट की सेवाएं निर्बाध रूप से बिना रुके देने के लिए निजी कंपनियों के द्वारा लगातार ही उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। 2020 में 7 फरवरी को वनवेव कंपनी के द्वारा, एक वनवेव नाम की कंपनी के द्वारा 34 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए थे। बीते साल स्पेस एक्स नाम की कंपनी के द्वारा 60 से ज्यादा उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए थे। इस कंपनी की योजना 1600 उपग्रह को संचार से संबंधित जो हैं उन्हें अंतरिक्ष में भेजने की थी, पर अब इनकी संख्या में विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज करते हुए ये 42,000 उपग्रह अंतरिक्ष में स्पेस एक्स भेजने जा रही है। अब आप समझ सकते हैं कितने काम करेंगे, कितने खराब होंगे, कितनों की मियाद पूरी होगी, ये आप समझ सकते हैं। जिस तरह उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किए जा रहे हैं उनकी बढ़ती तादाद को देख के ये खतरा सबके सामने बनकर खड़ा है कि आने वाले समय में इन उपग्रहों को अगर वापस धरती पर नहीं बुलाया गया या इनका विनिष्टीकरण नहीं किया गया तो अंतरिक्ष एक बहुत बड़ा कूड़ादान बनकर रह जाएगा। उपग्रहों के कारण एक और समस्या सामने आने लगी है, वो ये कि रात के समय शक्तिशाली दूरबीनों से अंतरिक्ष में ताक झांक में ये उपग्रह बाधा बनते हुए नजर आ रहे हैं। इन उपग्रहों में लगे सोलर पैनल से मैं जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, चमक उठते हैं और वैज्ञानिकों के अध्ययन में अनेक बाधाएं इसके चलते सामने आ रही है। माना जा रहा है या माना जाता है, यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, उचित होगा। इंसान की फितरत है जहां भी जाता है वो अपने पद चिन्ह अवशेष या कचरा कूड़ा करकट जिसमें समावेश होता है वहां छोड़ के चला जाता है। सबसे ज्यादा मात्रा में हम मलबा छोड़ते हैं। मनुष्य ने जब अंतरिक्ष में दखल दी तब उसने व्यवस्थित रूप से अंतरिक्ष में दखल नहीं दी, उसके द्वारा अंतरिक्ष में बेकार पड़े उपग्रहों की शक्ल में कूड़ा करकट भेज दिया है जो वहां लगातार ही घूम रहा है। मानव के द्वारा अंतरिक्ष में इस तरह से जो साफ सुथरा अंतरिक्ष था वहां इस तरह से अंतरिक्ष को गंदा किया जा रहा है, जो आने वाले समय में अंतरिक्ष में ये उपग्रह एक दूसरे से टकरा भी सकते क्योंकि लगातार ही घूम रहे हैं और बहुत तेज गति से घूम रहे हैं। अभी भी समय है, अगर मनुष्य ने इस तकनीक को विकसित नहीं किया कि अंतरिक्ष से मैं बेकार पड़े कूड़ा करकट को, वैसे ही कूड़ा करकट वापस लाना बहुत महंगा है इसीलिए कोई इसे वापस लाने में फिक्रमंद नहीं दिखता है। अगर इन्हें बुलाने के लिए कोई हमने योजना तैयार नहीं की तो ये कूड़ादान मानव और धरती के लिए परेशानी का सबब
बन सकता है, बनेगा, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिमटी की लालटेन के 199 एपिसोड के बाद 200 एपिसोड में हम एक बार एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के बारे में, अंतरिक्ष के में वो एलन मस्क की कंपनी किस तरह से कूड़ा फैला रही है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे 200 एपिसोड में। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन रोजाना रात 8 बजे प्राइम टाइम पर प्रसारित होती है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या लिमटी की लालटेन साई न्यूज में वेबसाइट पर या चैनल पर जाकर देख सकते हैं, रात 8 बजे देखना ना। अगर आपको लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। लिमटी की लालटेन के 199 एपिसोड में फिलहाल इतना ही, 200 एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप सभी के लाड़ प्यार दुलार से लिमटी की लालटेन आज बहुत एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुकी है। आशा है आपका लाड़ प्यार दुलार इसी तरह बना रहेगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।